यो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम दोबारा से खेलने वाले कार सेल डीलरशिप सिमुलेटर, और इसमें एक नया अपडेट भी आया है जिसमें ड्रैग रेस एंड कार्नोस ऐड हुआ है। तो आज हम अपडेट का फुल रिव्यू भी देंगे, साथ ही पिछली वीडियो में हमने एक सस्ती सी गाड़ी परचेस करी थी, लेकिन आज हम एक सुपर कार परचेस करेंगे, फिर ड्रैग रेस पर जाकर सबकी यूं फाड़ देंगे और हमारे पास थोड़ा बहुत तो पैसा आ जाएगा। बाकी समझ गए ना सब लोग, चलते हैं गेम प्ले में। वेलकम बैक टू माई डीलरशिप गाइस। एक सेकेंड, ये मेरी डीलरशिप नहीं है, ये तो कंटेनर है जिसमें मैं सोता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी डीलरशिप थोड़ी डब्बे जैसी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मेरी डीलरशिप को कंटेनर से कंपेयर करो। बाकी ठीक है, चलो मैं आपको अपना डीलरशिप दिखाता हूँ। बस स्टेशन में आकर हम चलते हैं। ओके, तो ये है मेरा वो प्यारा सा डीलरशिप ग्रैंड मोटर, कितना सही दिख रहा है ना। बाकी गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पिछले वीडियो में $10,000-12,000 के करीब पैसे देखे थे, लेकिन अभी 80,000 कैसे हो गया। तो गाइस, मैंने ऑफलाइन में थोड़ी देर गेम खेले थे ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊं तभी मुझे पैसा इकट्ठा करने में देरी हो जाए और आप लोग बोर ना जाओ, इसलिए मैंने कुछ ऑफलाइन मैचेस खेले। फिलहाल अपने ऑफिस को करते हैं ऑन और पूरा ऑफिस ठीक ठाक किए। तो अभी हम लोग चलते हैं कार मार्केट पे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो पे कार मार्केट नहीं गया था, ओनली नेबरहुड से कार परचेस किया था, वो भी एक सस्ता सा। ठीक है, इस बार हमारे पास अच्छे काफी पैसे है, तो चलते हैं कार मार्केट पे, वहाँ से एक सुपर कार खरीदेंगे ताकि उससे हम लोग ड्रैग रेस पर जीत सके। ठीक है, बस स्टेशन में आकर हम चलते कार मार्केट पे। ओके, मैं आ चुका हूँ कार मार्केट एंड देखते हैं इस गेम का कार मार्केट कैसा है। रियल कार फॉर सेल की तरह सेम टू सेम है, बाकी यहाँ पर कोई सुपर कार तो मुझे नहीं दिख रहा है। आई थिंक एक सेकेंड, दिख रहा है भाई, कितना बढ़िया बढ़िया सुपर कार है, लैम्बोर्गिनी ओल्ड मॉडल का देखो। बाकी इसके बगल में आई थिंक टोयोटा का कोई सुपर कार है, और यहाँ पर आई थिंक फरारी है ये। बाकी इन दोनों का दाम तो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे पहले हम इस टोयोटा को देखते हैं ये कितने में दे रहा है। भाई अगर 80,000 के इस पार में मिल गया तो परचेस कर लेंगे, और लेट्स गो भाई, 70,000 में मिल रहा है। ठीक है, हम इसी को परचेस करते हैं। बाकी इससे पहले एक बार इस कार को देख लेते हैं ये कितने में मिलेगा हमको, शायद सस्ते में मिल जाए, 3,00,000 का है भाई। तो हम सबसे पहले इस टोयोटा को परचेस करते हैं। लेकिन एक सेकेंड, मेरे पास कुछ स्किल्स है जिससे मैं बार्गेन को अनलॉक कर सकता हूँ। दो स्किल है मेरे पास, यहाँ पर बार्गेन को करते हैं अनलॉक। हाँ बट हाँ, मैं और एक बार भी अनलॉक कर सकता हूँ, नहीं। हाँ तो हमने बार्गेन स्किल को दो बार अनलॉक कर लिया, पता नहीं दो बार अनलॉक करने से क्या होता है, बट मैंने कर लिया। ठीक है, अब हम बार्गेन कर सकते हैं। ये $17,163 में बोल रहा है ना, हम इसे बार्गेन करके $65,000 में लाते हैं। ओ भाई बिक गई, 70,000 का दे रहा था, मैंने 65,000 का ले लिया भाई, $5,000 कम करवा दिए। बाकी ठीक है, हम इस कार का थोड़ा डैमेज वगैरह चेक करते हैं कैसा है। गाड़ी 15% डैमेज है, पेंटेड 20% है, डट्टी हो रहा है थोड़ा सा और फ्यूल कम है। ठीक है, चल जाएगा, गाड़ी पे करते इंटर। भाई एक सुपर कार मुझे सस्ते में मिल गई, और इसे हम ले चलते। ओ नहीं नहीं नहीं, बच गए यार, कार मार्केट पे भीड़ जाता अभी, तो मैं बोल रहा था इसे अभी ले चलते अपने ऑफिस में, फिर बेचेंगे नहीं, इसे हम रिपेयर करवाएंगे और ड्रैग रेस के लिए ले जाएंगे। तो फटाफट ले चलते, और भाई इसकी आवाज सुनो आप लोग, क्या मस्त आवाज कर रही है। ओके, हम लोग आ चुके हैं ऑफिस पे, और एक से भाई रुक जा, भाई अभी भेज जाता मेरे ऑफिस में। ठीक है, हम फटाफट से ले चलते, भाई क्या ड्रिफ्ट मारी है देखो, ओहो भाई सुपर कार बोलते हैं इसे। रिपेयरिंग पर ला दिए, गाड़ी को करते बंद, यहाँ से निकलते हैं, और भैया इसे थोड़ा रिपेयर कर देना $300 का, मतलब 15% डैमेज है फिर भी $300 लगेगा, क्योंकि ये सुपर कार है। ठीक है, रिपेयर होने के बाद हम गाड़ी को लाएंगे ट्यूनिंग पे, यहाँ पे हम रेसिंग किट वगैरह लगाएंगे गाड़ी पे ताकि ड्रैग रेस पर यह सबसे तेज भागे। ऑल राइट, हमारा कार रिपेयर हो चुका है, इस पे करते इंटर और इसे फटाफट बाहर लेकर चलते। एक सेकंड भाई, और यार यहाँ पे तो ऑलरेडी गाड़ी लगा हुआ है, जल्दी से हटाओ। ओके, ये गाड़ी हट चुका है, हमने यहाँ पर लगा दिया, गाड़ी को किया बंद, यहाँ से नीचे उतरते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले हम रेसिंग किट लगवा देते हैं, और कुछ ऑप्शन ही नहीं है इसका, इसके अलावा नंबर प्लेट भी है, तो हम नंबर प्लेट नहीं लगवाएंगे क्योंकि अभी हमें ड्रैग रेस पर जाना है, और ड्रैग रेस के लिए भी कुछ पैसा बचा कर रखना है ताकि एक बार हार गया तो दोबारा चांस मिल सके। बाकी मुझे नहीं लगता कि मैं हारूंगा क्योंकि मेरे पास एक सुपर कार है। ओ भाई अभी भिड़ जाता। ठीक है, अभी हम फटाफट ले चलते ड्रैग रेस के लिए, बट एक सेकेंड, मैं अपने ऑफिस को खुला छोड़ दिया, भाई अगर कोई चोर वोर आ गया तो मेरे ऑफिस का सारा सामान लूट कर चला जाएगा, ऐसे ही तो गरीब है हम लोग। ठीक है, अभी मैं फटाफट लेकर चलता हूँ ड्रैग रेस पे इस कार को। अरे 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 रुक, नहीं 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 भाई बच गया, भाई सब मैंने क्या कंट्रोल किए,
देख रहे हो कितना ड्रिफ्ट मार के एकदम अचानक से आकर मुझे लगा कि आज मेरा गाड़ी गया, बट यहाँ पर एक कोई निशान जीटीआर जैसा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर मैडम जी एक मस्त गाड़ी लेकर खड़े हैं, इसके साथ बेट लगवाते हैं 15,000 का बेट। मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, पहले सोकर आ जाते हैं, क्या पता उसे ड्रैग रेस का लोग जितने भी चेंज हो जाए। तो ठीक है, हम सो जाते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइज, आज भी कार मार्केट ओपन है। एक सेकेंड, गधे जूते पहनेंगे मेरे ऊपर, मुझे ड्रैग रेस के लिए जाना है फटाफट, और मैं कार मार्केट की बातें कर रहा हूँ। ठीक है, मैं फटाफट पहुँचता हूँ ड्रैग रेस के लिए, पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ। ओके, मैं आ चुका हूँ पे। एंड वेट भाई, यहाँ पे फरारी आई हुई है, ये कितने की लगा रहा है वेट? 34,000। भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप पहले ही कट लो। बाकी यहाँ पर एक सस्ती सी गाड़ी है, मुझे पता है ये सस्ती रेस करेगा, $97। भाई इतना चिंदी लग रहा हूँ मैं, क्या शकल से $97 की ड्रैग रेस करूंगा मैं। बाकी यहाँ पर तीसरा कोई है जो ड्रैग रेस करना चाहता है $360 का, ठीक है हम इसके साथ ड्रैग रेस कर सकते हैं, बट मुझे लगता है इसका गाड़ी थोड़ा फास्ट होगा, क्योंकि जब मैं ड्रैग रेस पर गाड़ी ला रहा था तो मेरा थोड़ा गाड़ी डैमेज हो गया। आप लोग देखो 13% डैमेज हो चुका है। बाकी ठीक है, हम सबसे पहले इसके साथ ड्रैग रेस करते हैं, $438 का ना। ठीक है भाई चल ड्रैग रेस पर, तुझे इसे कूटूंगा, इसे फाड़ूंगा, तू अपना नाम भूल जाएगा, चल एक बार मिल ड्रैग रेस पे। ओ एक सेकेंड भाई, ये ड्रैग रेस तो पूरा रियल कार फॉर सेल जैसा है, पूरा कॉपी करके रखा है इन लोगों ने। ओके हम इंजन को स्टार्ट करते हैं, और ये ड्रैग रेस गियर अप वाला ड्रैग रेस है ना। ठीक है देखो अब मैं इसको कैसे हराता हूँ। भाई एक बार मैच स्टार्ट होने देते, इसे कुटाई करूंगा ना, चल लेट्स गो भाई गियर अप करो। एंड मैंने यहाँ पे नोस मार दिया, भाई उसने भी मार दिया, नहीं वो बहुत आगे चला गया। नहीं यार मैं हार गया, मैं सही, मुझे सही टाइम पे गियर अप करना चाहिए था, और उसने सबसे पहले ही नोस मार दिया, जो अभी रिसेंटली अपडेट में आया है ना, उससे गाड़ी बहुत ही फास्ट दौड़ने लगता है, मुझसे गलती हो गई थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर दो और गाड़ी आ रखे है ड्रैग रेस के लिए, ये वही गाड़ी है जो मुझे अभी ये हराया। ठीक है भाई तू रहने दे, मैं इसके साथ रेस कर लूंगा। भैया आप बताओ कितने का रेस करोगे? $298, वैसे बुरा भी नहीं है। चलो चलो भाई जल्दी जल्दी स्टार्ट करो, टाइम नहीं है मेरे पास। ओके इंजन को करते स्टार्ट, और गाड़ी को थोड़ा आगे ले जाओ। एंड हाँ गाइस, स्टार्टिंग पॉइंट से कोई भी आगे मत ले जाना, क्योंकि इससे मैच स्टार्ट होने से पहले आप आउट हो जाओगे मैच से। और लेट्स गो भाई, मैं तो पहले एकदम नोस मार चुका हूँ, और वो बंदा एकदम पीछे रह चुका है। और गियर अप करता हूँ और एक बार, ओ मैं पहुंच गया, लेट्स गो, मैं जीत गया गाइस। ओ भाई साहब, मेरा हारा हुआ पैसा रिकवर हो गया, थैंक यू। बाकी इसके अलावा देखते हैं और कोई ड्रैग रेस के लिए आया है क्या, तो हम उसके साथ ड्रैग रेस करेंगे। मुझे लगता है कि मैंने पहली बार इसलिए हारा क्योंकि मेरा पहला ड्रैग रेस था, और मेरा गाड़ी थोड़ा बहुत डैमेज हो रखा है, इसलिए उतना फास्ट नहीं दौड़ा। इसके अलावा कोई एक चिंदी सा बंदा आ रखा है जिसके पास फरारी वगैरह है, 4,000। भाई देखो मैं लगा दूंगा, ठीक है इसे बात नहीं है, मेरे पास पैसा है ड्रैग रेस के लिए, मैं लगा दूंगा, लेकिन ये ड्रैग रेस मैं जीत नहीं पाऊंगा क्योंकि इसके पास तगड़ी गाड़ी है। तो भाई तू रहने दे, तुझसे किसी और दिन ड्रैग रेस कर लूंगा, और जो तेरा ये थोपरा है ना, इसे मैं नीचे लटका दूंगा। तो गाइस मुझे अभी और एक दिन सोना पड़ेगा ताकि ये जो ड्रैग रेस है वापस से रिफ्रेश हो जाए। नेक्स्ट डे हो चुका है गाइस, और मैं पहुंच रहा हूँ ड्रैग रेस पर, सामने ही है। उससे पहले देखो गाइस, ये है नोस जो अभी रिसेंटली अपडेट में ऐड हुआ है, अगर मैं इसको यूज करता हूँ तो मेरा गाड़ी और भी फास्ट। वेट, अरे भीड़ियो मत, नहीं आ गया, फिर से डैमेज हो गया मेरा गाड़ी, शायद बहुत सारा डैमेज हो गया, 19%, पहले था 30%, और अभी हो चुका है 90%, भाई बहुत सारा डैमेज हो गया। बाकी आज ड्रैग रेस पर दो बंदे एक्स्ट्रा आए हैं, और ये बंदा ड्रैग रेस पर कल से खड़ा है, इसके साथ कोई रेस ही नहीं लगा है बेचारा। तो ठीक है मुझे लगता है अभी इसके साथ ड्रैग रेस करना चाहिए, क्योंकि मेरा कार अभी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, तो आई थिंक उतना स्पीड चलेगा नहीं, और इसके पास उतना अच्छा खासा कार नहीं है। बाकी एक बबार इससे भी देख लेते कितना पैसा लगा रहा है, $340। ठीक है अगर मैं हार जाता हूँ तो मेरा पैसा उतना भी लॉस नहीं जाएगा, बट इसके साथ ही रेस करते हैं हम पहले। भाई अब देखो इस क्या होता है इस ड्रैग रेस में, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता क्या होगा, मेरा गाड़ी बहुत ज्यादा डैमेज हो रखा है। एक सेकंड ये क्या हुआ, भाई ड्रैग रेस स्टार्ट होने से पहले मैं हार गया, आई थिंक मेरा गाड़ी का पहला चक्का वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चढ़ गया था। गाइस आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप लोगों का भी पैसा लॉस चला जाएगा मेरी तरह।
बाकी ठीक है, यहाँ पर एक लेडी खड़ी है, इसके साथ हम ड्रैग रेस कर लेते हैं। चल भाई, अब कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसके साथ पहले हम ड्रैग रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब मुझे गाड़ी को यहाँ पर अच्छे से लगाना है। देखो पहले ये जो स्टार्टिंग का लाइन है ना, मेरा गाड़ी उस पर चढ़ गया था। ठीक है, 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई मैं नोस मार चुका हूँ सबसे पहले और गियर अप कर चुका हूँ। और एक बार गियर अप किया भाई, वो तो बहुत पीछे रह गया। और एक बार गियर अप कर दिया और इस बार तो मैं जीत गया। लेट्स गो भाई, इस बार भी मेरा लॉस हुआ पैसा रिकवर हो गया। बाकी फिलहाल यहाँ पे और एक लेडी आई हुई है, आई थिंक मैं इसके साथ रेस जीत सकता हूँ। मैं इसके साथ और एक रेस करके देखता हूँ। भाई $500 का है, इस बार मैं नहीं हारूंगा क्योंकि मुझे पता चल चुका है कैसे क्या करना है। ठीक है, 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई मैं पहले ही नोस मार चुका हूँ और नहीं, वो मुझसे पहले आगे निकल गया। भाई गियर अप करना पड़ेगा। मैं वापस से हार गया। यार क्या हो रहा है मेरे साथ, गियर अप कर देना, मुझे पहले गियर अप कर देना चाहिए था। बाकी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा गाड़ी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, इसे रिपेयर करवाना पड़ेगा, तभी हम ड्रैग रेस को अच्छे से जीत सकते। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो ही तक। मुझे पता है आज मैंने बहुत सारा पैसा ड्रैग रेस पर लॉस कर दिए, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में 1 लाख का सुपर कार परचेस करेंगे, फिर उससे हम ड्रैग रेस करने जाएंगे, उसके बाद देखेंगे किसमें कितना है दम। और गाइस इस गेम में एक न्यू अपडेट आने वाला है, जिस अपडेट का वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। और प्लीज आप सब कमेंट पे जाकर मुझे फीडबैक दो कि मेरा वीडियो कैसा था, ताकि मैं आप लोगों की सलाह से अपनी नेक्स्ट वीडियो को इससे भी बेटर बना पाऊं। और जो लोग चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि ऐसी और वीडियो आने वाले हैं यार। बाकी ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।